हेलो फ्रेंड्स, मैं हुरोबा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत रसीला बिहारी स्टाइल दूध पुआ की रेसिपी। यह देख करके आपको पता चल गया होगा यह कितना टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दूध पुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। आप चाहे तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, आपको जितनी आवश्यकता है उतना ले सकते हैं। फुल क्रीम या फिर टोंड मिल्क भी ले सकते हैं। तो अब हम इस दूध को गर्म करेंगे, इसमें अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर दूध रख करके इसे उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। तो इसे कलछी से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे उबालें। और तो चलिए आगे की हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है 10 से 12 काजू। इसे पहले ही मैंने पानी में रख करके इसे फुला दिया था, आप भी पानी में रख करके इसे फुला दें। काजू हम इसलिए डालेंगे, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पे आप मलाई डाल सकते हैं। तो चलिए काजू को हम पीस लेते हैं। काजू के जगह पे आप मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काजू से दूध में क्रीमी टेस्ट आता है और दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपको पीस लेना है। ये देखिए कितना पतला पेस्ट तैयार हुआ है। ये दूध को बहुत जल्दी गाढ़ा कर देगा, इसमें मेहनत भी नहीं लगेगी आपको और गैस भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर डालें। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, दूध अच्छे से उबल गया। आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा कम हो गया उबल के। तो अब हम यहाँ पे ये काजू का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास काजू नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इसके जगह दूध की मलाई भी उसको पीस करके और ग्राइंड करके थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। उससे भी दूध में बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे डाल करके अब हम थोड़ा सा उबाल लेंगे, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे इलायची, 4 से 5 इलायची है, इसे मैंने कूट करके लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे छिलके के साथ डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से इलायची को कूट करके और छिलके के साथ ही डाल दीजिए, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इलायची अब से बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो अब ये ज़रूर डालें। अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी इतना ध्यान में रखिए क्योंकि हमें पुआ के लिए आटा बनाएंगे, उसमें भी चीनी डालना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कम मात्रा में ही डालें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है अब तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब चीनी डाल करके इसे हम अच्छी तरह से लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, चीनी अच्छे से मिल गई। आप देख सकते हैं चीनी दूध में बहुत अच्छे से घुल गई और दूध भी गाढ़ा हो गया है। पहले से दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए पुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है। अब हम इस कटोरी से चावल के आटा मेज़र करेंगे। पुआ बनाने के लिए, दूध वाली पुआ बनाने के लिए हम चावल के आटा से पुआ बनाएंगे। तो इस कटोरी से मैंने नाप करके 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, दूध वाला पुआ चावल का आटा से ही बनता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में पीस करके और उसे छान करके भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी, या 2 बड़ा चम्मच है। ध्यान रहे चीनी दूध में कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें इसमें भी चीनी डालना है। चीनी बहुत लोग नहीं डालते हैं पुआ बनाते समय आटे में, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट पुआ अगर खाना हो बना के, अगर जल्दबाजी है और पुआ को भिगोने का और थोड़ा रेस्ट करने का टाइम नहीं है तो आप इसमें चीनी ज़रूर डालें। इससे ये होता है कि आटे में मिठास आ जाती है, और पुआ दूध में डालने पे पुआ में भी मिठास रहती है और दूध में डालने पर ये जल्दी फूल भी जाता है। अगर नहीं भी फूले और जल्दी आपको खाना हो तो भी आप खा सकते हैं, यह बहुत टेस्टी लगता है। तो आपकी मर्ज़ी आप चीनी डालें या नहीं डालें, लेकिन
मैं यही बोलूँगी चीनी आप ज़रूर डालें, इससे पुआ में मिठास आ जाती है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे, पानी को थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक घोल बनाना है। जैसे आप मालपुआ बनाते हैं ना उतना पे ही घोल बनाना है, चीला वाला घोल नहीं बनाना है, पतला इसे नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप एक ही साइड में एक ही तरह से फेंटते हुए अच्छी तरह से इसका घोल बनाने। ये देखिए घोल तैयार है, बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। इतना बनाने में लगभग 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल हुआ है। आप बिल्कुल इसी तरह से आप इसके कंसिस्टेंसी देख लीजिए और इतना पे ही घोल बनाइए। तो चलिए आगे हम तवा को यहाँ पे गैस पे रख करके इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लेकर के इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे तवा पे। अब हम डालेंगे ये बैटर पुआ का। तो पुआ का बैटर डालने से पहले इसे थोड़ा सा मिला लें ताकि पानी ऊपर ना रहे, और इसे इस तरह से कलछी से बिल्कुल इस तरह से आप डाल दें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप डालें। अब हम इसे ढक करके पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जाली हो। तो ढक कर पकाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है सब्जी वाला। आप चाहे तो इस तरह के मिट्टी का बर्तन आता है ना ढकने वाला, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर बड़ा कोई बर्तन हो ढकने के लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ा सा टिफ़िन हुआ या फिर बड़ा सा एक बाउल हुआ, आप वो ले सकते हैं। कोई गहरा प्लेट हुआ आप वो ले सकते हैं। ढकना इसलिए होता है ताकि इस पुए में अच्छी तरह से जाली आए, और दूध पुआ का मतलब होता है इसमें जाली अच्छे से आना चाहिए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। अब इस तरह से हम प्लेट हटा करके देखेंगे, और आप ऊपर इस तरह से टच करके देख लिए। अगर आप ऊपर ऐसे टच करेंगे, अगर उंगली में थोड़ी सी चिपचिपाहट लग रही है तो आप इसे और थोड़ी देर के लिए पका सकते हैं। तो ये देखिए ये पुआ प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना परफेक्ट जाली आया है। ये देखिए मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, और पीछे का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए आपका पुआ। ये देखिए है ना परफेक्ट जाली। तो ऐसे ही आप बनाए। अब हम इसे गर्मा गर्म दूध में निकाल करके डाल देंगे, ये देखिए, और इसे डाल करके किसी स्पून से या कलछी से आप इसे दूध में अच्छी तरह से डिप कर दें ताकि ये दूध में अच्छी तरह से अंदर चला जाए। अब ऐसे ही करके हम पुआ बना लेंगे। जितना भी पुआ बनाना हो इसी तरह से आप कलछी से बैटर डालिए तवा पे, और इसे ढक करके प्लेट या किसी भी चीज़ से जो गहरा हो आप बना लें। ये देखिए ये भी पुआ रेडी हो चुका है। ये जानने के लिए अगर ऊपर से अगर उंगली में नहीं आ रहा हो तो अभी पुआ निकालें, नहीं तो थोड़ी देर आप और पकाएं। अब इसी तरह करके मैं टिफ़िन से भी बना करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने एक कलछी बैटर डाला। अब इस तरह का आप टिफ़िन ले सकते हैं, इस तरह से गहरा पेंदी का, ताकि जाली अच्छे से पड़े। अब इससे ढक करके भी हम बनाएंगे। मैंने इससे भी ढक करके बनाना बता दिया है, तो आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। देख सकते हैं आप यह बहुत परफेक्ट रेडी हुआ है। मैं इसमें भी जाली दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको सारा पुआ बना करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए सारा पुआ बना करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दूध में भी अच्छे से डिप हो गया। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फूल चुका है अच्छे से पुआ। अब इसकी सर्विंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पुआ डालेंगे, उसके ऊपर से दूध, और आप दूध देख सकते हैं ना कितना क्रीमी हुआ है और रबड़ी जैसा दिख रहा है ना, ये काजू की वजह से हुआ है। अगर काजू नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आएगा। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और थोड़ी सी कटी हुई पिस्ता। अगर आपके पास ये नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन यह अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें। यह लीजिए बहुत ही क्रीमी एकदम रबड़ी जैसा और बहुत ही टेस्टी दूध पुआ बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यह रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।